Okay, so we have seen few of the properties of definite integral, and this property we have that a to b fx dx can be written as a to c fx dx plus c to b fx dx, where this c belongs to R. ठीक है, मतलब कहने का ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये जो सी है दिस मस्ट बिलोंग्स टू द इंटरवल ए टू बी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर सी बिलोंग कर रहा है ए से बी में देन दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड, और अगर सी जो है वो ए से बी के बियॉन्ड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है, तो इसके सपोर्ट में हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम इसको ग्राफिकली समझें, सपोज करो कि आपके पास में ये एफ एक्स दे रखा है, ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस, और कोई एफ एक्स जो है वो लेट से इस तरह से, ये एफ एक्स है। ठीक है, अब आप देखो, आपने यहाँ पर इवेल्युएट किया, यहाँ से आप समझो कि ये हो गया आपके पास में लेट से एक्स इज इक्वल टू ए, और इसी तरह से दूसरा जो बाउंड है वो हो गया लेट से एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये हो गया आपके पास में एक्स इज इक्वल टू बी, ये हो गया वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड वी वॉन्ट टू इवेल्युएट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, हम ये इवेल्युएट करना चाहते हैं। और हमने थोड़ी देर के लिए क्या किया, यहाँ पर लेट से एक्स इज इक्वल टू सी जो है वो आपने यहाँ कहीं पर कंसिडर। अब अगर आपने इसको अगर, और ये एक्स इज इक्वल टू सी लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है ये एक्स इज इक्वल टू सी, अगर हमने सी सपोज करो कि यहाँ कहीं पर ले लिया, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इन दिस सिनेरियो अगर आपने इसको लिखना चाहा कि नहीं, आप लिखोगे पहले ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स देन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप समझो ए से बी तक जब आप जा रहे हो, ए से बी तक यहाँ तक, तो देखो ये तो एफ एक्स जो है वो बिलो एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अगर ये जो एरिया है आपके पास में, इस एरिया को अगर मैं ए वन बोलूँ, ठीक है, और ये जो एरिया है आपके पास में यहाँ से लेकर ये वाला जो एरिया है इसको अगर हम ए टू बोलें, ठीक तो इंटीग्रेशन का जो डायरेक्शन है वो क्या बता रहा है कि ये जो एरिया है ये एरिया होगा विद माइनस साइन, क्योंकि डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो क्या बताता है हमको, वो बताता है हमको एलजेब्रिक एरिया। ठीक है, तो आपके पास में जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए यहाँ से माइनस ऑफ ए वन प्लस ए टू। ठीक है, और ये जो एरिया है इस एरिया को भी अगर हम कुछ बोल दें, लेट से इस एरिया को हमने बोल दिया ए थ्री, तो ये जो एरिया आएगा बी से सी तक जो ये आ रहा है एरिया, ये एरिया प्लस साइन के साथ ही आएगा। क्लियर है बात? तो अगर हमने ए से सी लिखा तो ए से सी एफ एक्स डी एक्स का एरिया क्या होगा, ए से सी डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम द लोअर लिमिट टू अपर लिमिट की तरफ है, लोअर लिमिट है एक्स इज इक्वल टू ए, अपर लिमिट है एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, इन दिस सिनेरियो तो हमने जब एरिया लिखना शुरू किया तो ये आएगा आपके पास में ए वन विथ माइनस है, तो ये केवल इस पार्ट की अगर हम बात करें, लेट्स डिस्कस अबाउट ओनली दिस पार्ट, सो इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन दिस इज माइनस ऑफ ए वन प्लस ऑफ ए टू एंड प्लस ऑफ ए थ्री। ठीक है, अच्छा लेफ्ट साइड में जो आपके पास में लिखा हुआ है वो क्या है, दैट वी विल कंक्लूड। फिर आगे अगर हम चलें तो अगर हम बात कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स और लिमिट इज गोइंग फ्रॉम सी टू बी, तो सी से बी, अब देखो आप यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का डायरेक्शन है वो अपर से लोअर हो गया, अब एफ एक्स भले ही एक्स एक्सिस के ऊपर है लेकिन डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इज अभी अपोजिट हो गई, अपोजिट हो गई मतलब कि लोअर से अपर जाते थे, अभी अपर से लोअर। इन दिस सिनेरियो ए थ्री विल बी काउंटेड एज माइनस ऑफ ए थ्री, सो नाउ दिस इज इक्वेलेंट टू राइटिंग माइनस ऑफ ए थ्री। तो अगर हम इस पार्ट को,
और इस पार्ट को, दोनों पार्ट को ऐड करके जब हम लिखेंगे तो ये ए थ्री और माइनस ऑफ ए थ्री कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आपके पास में बचा क्या, ए टू माइनस ए वन। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए सी वाले सिनेरियो को भूल भी जाएं, तो जब हम एरिया इवेल्युएट कर रहे थे ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन का जो डायरेक्शन है वो तो ये है, फ्रॉम द लोअर लिमिट टू अपर लिमिट की तरफ है, और लोअर लिमिट जो है आपके पास में वो एक्स इज इक्वल टू ए से जब आप आगे की तरफ जाओगे तो ये वाला जो एरिया है जिसमें एफ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस से बिलो है, तो ये वाला जो एरिया है दिस विल बी काउंटेड एज माइनस ऑफ ए वन। तो यहाँ से लिखोगे आप माइनस ऑफ ए वन और आगे चलोगे तो आप क्या लिखोगे, प्लस का ए टू, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, ए टू माइनस ए वन ही आएगा। तो आपके पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिखा हुआ है ए टू माइनस ए वन। अब आपने सी कहीं भी चूज करोगे आप, आपके पास में आंसर ये ही आएगा, ठीक है। तो ये तो एक सिनेरियो हो गया। फिर इस सिनेरियो को अगर आप समझ चुके हो तो सपोज करो कि आपने x इज इक्वल टू सी जो है वो यहाँ की जगह पर, सपोज करो आपने यहाँ कहीं पर, ठीक है, लेट्स से ठीक है यहाँ कहीं पर लिया होता ये है, और इसको अब हम बोल रहे हैं x इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये x इज इक्वल टू ए है। अब इस सिनेरियो में भी आप समझो, आप a से c जाते, पहले a से c जाते तो ये वाला जो आपके पास में जो एरिया है, इस एरिया को अगर मैं ए फोर बोल दूँ, तो a से c जाने में आप अपर से कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो अपर से लोअर की तरफ, पहली चीज, और दूसरी तरफ जो एफ एक्स है वो भी कैसा है, एफ एक्स जो है वो बिलो एक्स एक्सिस है, तो ए फोर जो है वो काउंट होगा एज प्लस ऑफ ए फोर हो गया। तो आप ए से सी गए, फिर आप क्या जाओगे, सी से आप जाओगे अब बी की तरफ, क्यों, क्योंकि हम क्या लिखेंगे, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, फिर सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब जब आप सी टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखोगे तो C से जब आप B की तरफ जाओगे तो कौन कौन से एरिया आ गए आपके पास में, C से B की तरफ जा रहे हो आप, यहाँ तक आ रहे हो, ठीक है ना। इस सिनेरियो में हमने x इज इक्वल टू सी जो है वो यहाँ पे लिखा है, मतलब कि x इज इक्वल टू A जो लाइन है उसके भी लेफ्ट में। A से C जब आप गए तब तो आया आपके पास में प्लस का ए फोर, ठीक है, फिर आप गए C से कहाँ, B तक। अब आप जब C से B तक जा रहे हो तो अभी जो A4 होगा वो काउंट होगा माइनस A4, तो प्लस A4 लिखा फिर माइनस A4 लिखा। अब जो ये एरिया बचा ये तो माइनस ऑफ A1 और प्लस ऑफ A2, तो अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास में, A2 माइनस A1, ठीक है। तो आप C कहीं पर भी लो, A से B के इंटरवल के बीच में लो या उसके बियॉन्ड लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस प्रॉपर्टी विल फॉलो, ओके। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है और आपने अगर उसको ब्रेक किया ए से सी एफ एक्स डी एक्स, फिर सी से बी एफ एक्स डी एक्स, देन सी जो है वो कहीं पर भी हो सकता है, सी बिलोंग्स टू आर, क्लियर है बात, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी हैव अ बर्थ रिमेंबर about the same property we are discussing, a to b fx dx is equivalent to saying a to c fx dx plus c to b fx dx, ठीक है, and this property can be used, कहाँ कहाँ पर और भी हम इसको use कर सकते हैं, if function changes its definition in the interval of integration, अगर a से b का जो आपने इंटीग्रेशन का इंटरवल ले रखा है उस इंटरवल में अगर किसी पॉइंट पर जो गिवन फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं अगर वो फंक्शन जो है वो अगर अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है तो हम जहां पर जिस पॉइंट पर फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी कि हमने ए से बी में इंटरवल में एफ एक्स को
देखना चाह रहे थे हम इंटीग्रेशन, लेकिन ए से बी के बीच में कोई एक पॉइंट सी था जहां पर कि फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज हो रहा है कर रहा है, तो जहां पर फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है वहां पर हम उसको ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करते समय वी कैन टेक केयर अबाउट दिस सी। ओके, मतलब ये सी जो है वो एग्जैक्ट ये सी ना होके हो सकता है कि हम उसको लेफ्ट हैंड साइड से और फिर उसके बाद हम उसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, मतलब कि कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया हमारे पास में कि अगर ऐसा हो रहा है कि इफ फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन इन दैट इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन से मतलब है ए से बी के बीच में अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, सपोज करो कि फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर था जब एक्स लेस देन जीरो है और एक्स माइनस सेवन है लेट से व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जीरो पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है और आपको मान लो कि ये एफ एक्स डिफाइंड है इस तरह से और इंटीग्रेशन पूछ लिया आपको माइनस फाइव से और टू तक, तो हम क्या करेंगे माइनस फाइव से जीरो तक जाएंगे एफ एक्स डी एक्स, फिर जीरो से और टू तक जाएंगे एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर जो एफ एक्स होगा उसके लिए डेफिनेशन एक्स स्क्वायर होगी, इसके आगे जो एफ एक्स होगा उसके लिए डेफिनेशन एक्स माइनस सेवन। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अभी के लिए क्लियर है, अदरवाइज वी विल सी सम एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस और अनडिफाइंड इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि किसी एक पॉइंट पर सपोज करो कि जीरो से पाई में आप डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पर जो फंक्शन है वो लेट से पाई बाई टू पर जो है वो डिसकंटिन्यूअस है या डिफाइंड नहीं है पाई बाई टू पर, लेकिन पाई बाई टू के पहले और पाई बाई टू के बाद में डिफाइंड है, तो पाई बाई टू माइनस और पाई बाई टू प्लस हम लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे जीरो से पाई को हम लिखेंगे ब्रेक करेंगे जीरो से पाई बाई टू माइनस और फिर पाई बाई टू प्लस से पाई, इस तरह से हम ब्रेक कर लेंगे एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है बात? आई होप क्लियर है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव टू इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर डी एक्स लिमिट इज फ्रॉम टू टू सिक्स। अब हमको पता है मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर की बात हो रही है, सो वी ऑल नो दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर चेंजेस इट्स डेफिनेशन अबाउट फोर, तो ये एक्स माइनस फोर होगा वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर और दिस इज फोर माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन फोर। इक्वेलिटी आप कहीं पर भी एक जगह लिख सकते हो। ठीक है, तो x माइनस फोर का जो मॉड है वो x माइनस फोर बन रहा है कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर और ग्रेटर देन फोर वी कैन से, और x लेस देन फोर पर ये फोर माइनस एक्स है, लिमिट जो है टू से सिक्स है, तो जो इंटीग्रेशन का इंटरवल है वो टू से सिक्स है, तो क्या उसके बीच में वो पॉइंट आ रहा है जहां पर फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो फिर इसको इवेलुएट करने के लिए हमने क्या लिखा है, इसको हमने लिखा टू से फोर जाएंगे पहले मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर डी एक्स लिखते गए, फिर लिखेंगे हम फोर से सिक्स एंड मॉड ऑफ अगेन एक्स माइनस फोर डी एक्स, तो फोर से जब कम है मतलब एक्स जब फोर से छोटा है, एक्स जब फोर से छोटा है तो ये आएगा नेगेटिव, मतलब एक्स माइनस फोर नेगेटिव होगा तो मॉड कैसा ओपन होगा विद अ माइनस साइन, तो उस वजह से क्या बन गया फोर माइनस एक्स इंटीग्रेशन टू से फोर डी एक्स प्लस फोर से सिक्स में अभी ये जो मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर डी एक्स है नाउ दिस विल बिकम सिंपली एक्स माइनस फोर डी एक्स, तो इसको हमने लिख दिया एक्स माइनस फोर डी एक्स। इंटीग्रेशन इवेल्युएट करने के लिए दिस इज फोर एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू, ओके लिमिट इज फ्रॉम टू टू फोर, तो अपर लिमिट रख दिया तो कितना आ गया ये फोर इंटू फोर इज सिक्सटीन माइनस अगेन सिक्सटीन बाई टू इज एट माइनस ऑफ टू इज एट, टू रखोगे इसमें
टू रखने पे क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रखने से क्या आ जाएगा, 4 बाय 2, दैट इज 2. ओके, सो दिस इज 8 माइनस ऑफ 4 बाय 2, दैट इज 2. ओके, देन प्लस ऑफ दिस इज, अच्छा इसको आप चाहो तो दिस कैन ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड एज, कि ये लीनियर है, अगर ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन हम क्या लिखते थे बताओ भाई, सिंपली ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और एक्स का कोफिशियंट जो है उससे डिवाइड कर देते थे. ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, बस यहाँ पर ए का वैल्यू 1 है. सो दिस कैन डायरेक्टली बी रिटन एज एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 2, और कुछ से डिवाइड भी करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में डिवाइड करते थे हम लीनियर, जो मतलब एक्स का जो कोफिशियंट है उससे, यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट कुछ भी नहीं है, बेसिकली 1 है, तो फिर हमको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो नाउ डायरेक्टली वी कैन राइट दैट लिमिट इज फ्रॉम 4 to 6, देन प्लस अपर लिमिट, तो जब आप यहाँ पे 6 पुट करोगे सो 6 माइनस 4 विल गिव यू 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, और लोअर लिमिट 4 पुट करोगे तो 0. सो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग इज सिंपली 2. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में 16 माइनस 8 इज 8 माइनस 6 एंड प्लस 2. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 6, 8 माइनस 6 इज 4, 4 प्लस 2 इज 8 माइनस 6 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4. ओके, 8 माइनस 6 इज 2 एंड 2 प्लस 2 इज 4. ओके, सो आंसर वी आर गेटिंग इज 4. ठीक है, अदरवाइज इसको अगर हम समझें तो ये हमको क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास में, लेट से अगर हम इसको ग्राफिकली अगर हम समझना चाहें तो ये x एक्सिस हो गया. अब मॉड ऑफ x माइनस 4 का ग्राफ जो है वो मॉड x के ग्राफ को ही आपने जो है वो 4 यूनिट शिफ्ट किया होगा, तो ये पॉइंट आ रहा होगा 4, 0. ये जो लाइन है वो है आपके पास में x माइनस 4, ये लाइन है आपके पास में 4 माइनस x. 2 से 6 में आप देख रहे हो तो 2 ये हो गया, 6 यहीं कहीं हो गया. ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से x इज इक्वल टू 2, ये लाइन हो गई आपके पास में. ठीक है, तो और एक लाइन हो गई आपके पास में ये. ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन क्या डिनोट करता है, अलजेब्रिक एरिया, तो ये एरिया और फिर ये एरिया, तो ये दोनों एरिया इवेल्युएट करना है इज नॉट अ बिग टास्क. क्यों? क्योंकि ये तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको साफ साफ. तो ये 6 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट क्या आ गया, 6, 2 एंड दिस इज 4, 0. तो ये एरिया जाएगा आपके पास में हाफ ऑफ बेस इज 2, 6 और ये 4 है, एंड हाइट इज ऑल्सो, ये हाइट हो गया, ये कितना है, ये भी 2 है, इंटू 2 प्लस हाफ ऑफ बेस इज 2, एंड 2 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट क्या है, 2 के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो 4 माइनस 2 करने पर ये भी 2 ही आ रहा है. सो बेसिकली इट मे लुक लाइक स्मॉलर, बट ये है तो सिमेट्रिक ही, बहरहाल क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आ रहा है आपके पास में 2, 2. तो वाई जो कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली इतना कम ना हो के, अगर आप इसको करेक्ट करोगे तो वो जो 2 है वो वैल्यू जो है वो 2 ही दे रहा है, और बेस जो है वो भी 2 ही है. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ठीक सा दिख जाए उसके लिए बोल सकते हैं ये हो गया आपके पास में, दिस इज 2, 0 एंड दिस पॉइंट इज 2, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू भी 2. सो दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ बेस इज 2 एंड हाइट इज 2, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 2, सो अल्टीमेटली 4. एंड एरिया अगर आप लिखना चाह रहे हो तो 4 स्क्वायर यूनिट्स आप लिख सकते हो, बट हेयर वी आर नॉट इवेल्युएटिंग एरिया, हेयर वी आर इवेल्युएटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल एंड विच डिनोट्स एलजेब्रिक एरिया.
सो आई होप दिस इज क्लियर. आंसर यहाँ से भी 4 आ रहा है और सेम आंसर आना भी चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू इवेलुएट डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम -3 to 1 एफ एक्स डी एक्स, वेयर एफ एक्स इज गिवन इन अ पीस वाइज फंक्शन. पीस वाइज फंक्शन मतलब कि जिसमें कि फंक्शन का डेफिनेशन जो है चेंज हो रहा है. पहले फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है, उसका डेफिनेशन कब तक है, जब तक एक्स जो है वो नेगेटिव है. एक्स जब तक लेस देन जीरो है तब तक एफ एक्स जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है बाई एक्स स्क्वायर की डेफिनेशन से. और जब एक्स का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब कि एक्स जब जीरो या फिर पॉजिटिव हुआ, तो जो एफ एक्स की डेफिनेशन है दैट इज एक्स माइनस 7. ठीक है, सो नाउ वी वॉन्ट टू इवेलुएट इंटीग्रल फ्रॉम -3 to 1. तो हमने देखा जहां पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है क्या वो इंटीग्रेशन का जो इंटरवल है उसके बीच में आ रहा है. तो यहां पर देखा कि जो जीरो है वो -3 और 1 के बीच में पाया जाता है. अगर ऐसा है देन -3 to 1 एफ एक्स डी एक्स वी नीड टू ब्रेक. तो -3 से 0 में एफ एक्स डी एक्स लिखा, फिर हमने लिखा 0 से 1 में एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, अब आप देखो जब x लेस देन 0 है तो -3 से 0 में एफ एक्स की जगह पे आपने क्या लिख दिया डेफिनेशन, दिस इज सेम एज राइटिंग एक्स स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. और जब आपके पास में जो एफ एक्स है, जब x जो है वो 0 से 1 है, मतलब कि x जो है वो पॉजिटिव के लिए बात हो रही है, तो जो एफ एक्स की डेफिनेशन है दैट इज सिंपली कैन बी रिप्लेस्ड बाय एक्स माइनस 7. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. तो अभी इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल गिव यू x³/3 वेयर लिमिट इज फ्रॉम -3 to 0 एंड प्लस एक्स माइनस 7 का इंटीग्रेशन. इफ वी वांट टू राइट इट डायरेक्टली वी कैन राइट इट एज एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय द कोफिशियंट ऑफ एक्स, और कोफिशियंट ऑफ एक्स 1 है, इसीलिए ये आ गया आपके पास में एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 वेयर लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1. सिंपल. सो नाउ अपर लिमिट रखा तो आ गया 0, सो दिस इज सिंपली 0. माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखा तो माइनस का 3 का क्यूब, सो -3 का क्यूब इज -27/3. सो -27/3 विल गिव यू -9. दिस इज -9 प्लस. अभी x की जगह पर 1 रखा, 1 रखने से क्या आ गया 1 - 7 का स्क्वायर. 1 - 7 का स्क्वायर इज 6 स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, बट 6 स्क्वायर इज 36/2. सो दिस इज 36/2 एंड माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पर 0 रख दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना 7, माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर दैट इज 49/2 विद अ माइनस. तो अभी ये आ गया आपके पास में प्लस का 9 और ये आ गया आपके पास में 18 - 49/2. सो 9 + 18 is 27. 27 - 49/2 is 27 - 49/2. So this is 54 - 49/2. Okay, so 54 - 49 is 5/2. So the answer we are getting is 5/2. ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर था कब, वेन एक्स लेस देन जीरो था. एक्स लेस देन जीरो पर एक्स स्क्वायर रख दिया, लिमिट क्या है -3 से 1 था, तो ब्रेक करना पड़ा 0 के करस्पॉन्डिंग. क्यों, क्योंकि 0 पर एफ एक्स जो है वो अपना डेफिनेशन चेंज करना है. ठीक है, फिर हमने -3 से 0 में इसको इंटीग्रेट किया, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x³/3. अपर लिमिट रखा तो 0, लोअर लिमिट रखा तो माइनस ऑफ लोअर लिमिट, माइनस ऑफ 3 का क्यूब इज -27/3.
सो माइनस का 27 बाई 3 विल गिव यू माइनस का 9 और एक माइनस पहले से, तो ये आ गया प्लस। फिर एफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो है एक्स माइनस 7, तो एफ एक्स की जगह पे एक्स माइनस 7 रख दिया, उसका इंटीग्रेशन हो गया आपके पास में एक्स माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1, अपर लिमिट रखा सो 1, सो 1 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर दैट इज 36 बाई 2 दैट इज 18, ठीक है। माइनस ऑफ लोअर लिमिट 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर दैट इज 49 बाई 2, सो 49 बाई 2 आ गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आई होप ये क्लियर है। फिर ये तो हो गया आपके पास में 18 और ये 49 बाई 2, सो 9 प्लस 18 विल गिव यू 27, माइनस का 49 बाई 2 एलसीएम लिया, सो 27 इंटू 2 इज 54 माइनस 49 बाई 2, सो दैट विल गिव यू 5 बाई 2, ओके। सो वी नीड टू टेक केयर दैट की डेफिनेशन कहाँ पर चेंज हो रही है। यहाँ पर क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि जो डेफिनेशन है वो x इज इक्वल टू 0 के अराउंड चेंज हो रही है, ओके। सो वी नीड टू ब्रेक द लिमिट अकॉर्डिंग टू दैट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ वी वॉन्ट टू इवेलुएट द इंटीग्रल फ्रॉम ई टू, क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल इज फ्रॉम ई टू 0 ln x dx, ओके। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो ln x का इंटीग्रेशन, तो ln x का इंटीग्रेशन अगर हमने इसको i बोला और dx, देन वी नो कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन अकेले में है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, वी टेक द हेल्प ऑफ 1 एज अ सेकेंड फंक्शन, फिर बाई पार्ट्स अप्लाई करते थे। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन, ये हो जाएगा ln x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन इज x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज 1 बाई x इंटू x एंड और इंटीग्रेशन dx, सो दिस इज ln ऑफ x इंटू x माइनस x, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इसको इनडेफिनेट की तरह ही ट्रीट करके सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया अब आपके पास में ln ऑफ x इंटू x माइनस x, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो बहुत सिंपल सी है कि जो आपके पास में यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का जो इंटरवल है वो क्या है, वो जरा हम समझते हैं। तो दैट इज नॉट अ बिग टास्क, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपके पास में 0 और ये हो गया e, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का जो इंटरवल है वो e से आप 0 की तरफ जा रहे हो बेसिकली, तो e से जब हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो 0 पर तो हमको पता है कि ln x इज नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पर 0 तो पुट नहीं कर सकते हैं जब हम लिमिट रखेंगे, तो हम 0 को जो है वो राइट साइड से ही अप्रोच कर सकते हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। तो जब हम 0 को केवल राइट साइड से ही अप्रोच कर सकते हैं, मतलब कि 0 प्लस पर ही हम इवेलुएट कर सकते हैं यहाँ पर ln x है, क्योंकि क्लियर है बात। तो हमने यहाँ से लिखा लिमिट इज फ्रॉम, मतलब हम कैसे लिखते भाई, ई से 0, ई से 0 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस लिखेंगे। अब जब हम 0 प्लस लिखेंगे तो इसको इवेलुएट करने के लिए हम बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट डायरेक्टली इवेलुएट, तो अभी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर ln ऑफ x इंटू x माइनस x एंड वे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, क्लियर है बात, ये हो गया अपर लिमिट। तो नाउ वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू फॉर दिस फंक्शन, देन माइनस x इंटू ln x माइनस x एट x इज इक्वल टू e पर आप डायरेक्ट इवेलुएट कर सकते हो फंक्शनल वैल्यू, x इज इक्वल टू e पर आप फंक्शनल वैल्यू इवेलुएट कर सकते हो, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पर हम नहीं कर सकते हैं, बट 0 प्लस पर वी कैन इवेलुएट लिमिटिंग वैल्यू, दिस वी नीड टू टेक केयर एंड दिस इज सिंपल कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज एप्लीकेबल, ओके। तो जब आपने यहाँ पर x की जगह पर e पुट करोगे तो ये हो जाएगा e इंटू ln e, ln e का वैल्यू 1 माइनस e, तो ये वैल्यू तो आप क्लियरली देख पा रहे हो, अगेन x इज इक्वल टू आपने क्या रखा है यहाँ पर, x इज इक्वल टू e जब आप रखोगे तो ये होगा e इंटू ln e, ln e 1 हो गया माइनस ऑफ e, तो e माइनस e कैंसिल आउट हो गया तो 0, तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू तो आपके पास में 0 आ गया।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो क्लियर है कि भाई ये बन जाएगा आपके पास में e, ये ln e 1 हो गया और ये e, तो e माइनस e जो है वो अल्टीमेटली ये वैल्यू तो जीरो हो गई। अब हम बात करें इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, अब इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, जब आप यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस रखोगे तो ये तो जीरो ही हो गया। अब बात हो गई इस पर, तो ln जीरो प्लस पर जाता है माइनस इनफिनिटी की तरफ इनटू जीरो, तो ये तो क्या हो गया आपके पास में, दिस इज सिंपली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, अच्छा ये पार्ट तो जीरो हो ही चुका है तो इसको हम छोड़ रहे हैं, जीरो प्लस दिस इज एल एन एक्स और वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं, इसको लिख दिया आपने एल एन एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो अभी देखो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, अगर अभी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया तो नाउ लॉपिटल इज एप्लीकेबल। लॉपिटल क्या बोलता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उनको आप इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करो। सो नाउ वी कैन राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, इंडिविजुअली जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन बाई एक्स, और वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन विल गिव यू माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर, तो बचेगा क्या माइनस का, अब आपके पास में क्या बच जाएगा यहाँ से एक्स बच जाएगा, देखो भाई वन बाई एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर बाय वन, तो ये माइनस का एक्स बच गया और जीरो प्लस पर तो वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। सो नाउ दिस लिमिटिंग वैल्यू इज जीरो, तो ये भी जीरो आ रहा है वैल्यू, और ये ऑलरेडी जीरो था, ये इसका लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ रहा है, ये जीरो है, ये भी जीरो है, मतलब कि अल्टीमेटली जो आंसर है वो क्या आ गया आपके पास में जीरो, ठीक है बात। तो ये तो जीरो आंसर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ जरा समझते हैं। ई से जीरो में एल एन एक्स टी एक्स हमने एवेल्युएट किया, अगर हम जीरो से ई में समझे कि हो क्या है, अच्छा ई से जीरो लिखो या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ जीरो से ई एल एन एक्स, ठीक है उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक माइनस साइन का फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। तो अगर हमने ये है आपके पास में लेट से एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंटीग्रेशन और ग्राफ जो है वो एल एन एक्स ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया आपके पास में, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है आपके पास में वन कॉमा जीरो, और ई जो है वो यहाँ कहीं पर है, ई अगर यहाँ कहीं पर है, अब आप देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो आपके पास में जो लाइन आ गई ई, तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि भाई ई से जीरो में एल एन एक्स डी एक्स इज सेम एज राइटिंग माइनस ऑफ जीरो से ई में एल एन एक्स डी एक्स। तो अगर हम इसको यहाँ से इवेलुएट कर लें, उसके आगे माइनस लगा देंगे तो ये पता चल जाएगा, ठीक है ये बात। तो अब आप देखो कि जब आपने ये इवेलुएट किया e से जीरो एल एन एक्स डी एक्स, तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू कितनी आई, जीरो आई, तो माइनस टाइम्स ऑफ जीरो इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। तो हो क्या रहा होगा बेसिकली यहाँ पर, अब आप देखो ये जो इंटीग्रेशन है इसका ये वाला एरिया, और ये जो इंटीग्रेशन है जीरो से वन वाला, ये दोनों एरिया एक दूसरे को नलीफाई कर रहे होंगे तभी तो, मतलब कि ये जो प्लस में जो एरिया आ रहा है, अगर हम जो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो ये एरिया प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, और अगर डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन हम इस डायरेक्शन में देखें तो ये माइनस में लेंगे हम, ये प्लस में लेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये दोनों एरिया क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को नलीफाई कर ही रहे होंगे, ये बात तय है। जैसे कि अगर हम बोलें, अच्छा ये एरिया देखो, ये वैल्यू जीरो आ रही है तो माइनस टाइम्स ऑफ दिस इज ऑल्सो जीरो। तो अगर अभी हम अगर इसको जीरो से ई एल एन एक्स डी एक्स को अगर हम देखें बात, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जीरो से वन एल एन एक्स डी एक्स प्लस वन से ई एल एन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये वैल्यू जीरो है, जैसे सपोज करो कि ये वैल्यू आपको पता है कि भाई ये इंटीग्रेशन जो है इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू जो है वो जीरो है। तो अगर हम इसमें से कोई भी एक अगर हम सॉल्व करें, जिसमें हमको दिख रहा है कि एक जो है
एक का डायरेक्शन दूसरे का डायरेक्शन से अपोजिट है। एलजेब्रिक एरिया की बात करें तो एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। जब हम लोअर से अपर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब हम अपर से लोअर आ रहे हैं तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एलजेब्रिक एरिया के सेंस में। ओके, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए केवल एक किसी भी पार्ट पर फोकस करें, लेट से हमने फोकस किया 1 से ई ln x इस पे, ठीक है। इसको अगर हम केवल सॉल्व करें, हम अभी बात कर रहे हैं केवल और केवल इस पार्ट की, तो फिर से वही बात है, इसका इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ x इंटू x माइनस x एंड लिमिट इज फ्रॉम 1 टू ई, ठीक है। अब 1 का मतलब यहाँ पर है 1 प्लस से, ठीक है। बट स्टिल अगर हमने अपर लिमिट रखा तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर ये आएगा आपके पास में ln e, ln e1 into e, तो e माइनस ई, तो कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0 माइनस ऑफ। अब 1 अगर आप रखोगे तो ln 1 का वैल्यू कितना भाई, ln 1 का वैल्यू 0, 1 तो ये तो 0 हो गया और माइनस 1, तो माइनस ऑफ माइनस 1 विल गिव यू प्लस 1, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ गया आपके पास में प्लस 1। अब अगर ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू प्लस 1 है, तो ये वैल्यू तो माइनस 1 हो गई होगी, क्लियर है बात। यू कैन चेक एंड वेरीफाई ऑल्सो इट विल। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि जब हमने इंटीग्रेशन को इस तरह से ब्रेक किया है और यहाँ पर अगर ये जो एरिया है, मतलब कि ये एरिया, ये वाला एरिया जो है और ये वाला एरिया जो है, वो दोनों मिलके क्या आ रहे हैं, वो दोनों एरिया मिलके 0 आ रहे हैं, तो जो पॉजिटिव वाला एरिया और जो नेगेटिव वाला एरिया होगा वो बराबर होंगे, तभी तो ऐसा हो रहा होगा कि वो अल्टीमेटली 0 आ रहा होगा। और यहां से एक चीज और हम देख सकते हैं कि ये अनबाउंडेड एरिया है लेकिन इसका वैल्यू जो है वो फिक्स्ड आ रहा है, दैट इज 1। तो ये एरिया क्या हो रहा होगा, ये एरिया अल्टीमेटली जो है वो 1 बन रहा है, क्लियर है बात। तो जहां कहीं पर अगर डायरेक्ट हम वैल्यू इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, सो इन दैट केस वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ लिमिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ जैसे कि हमारे पास में अभी क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है आपको 0 से 12 रूट ओवर ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर डीएक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस कहां का होता है एट इंटीजर्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आर्गुमेंट है, तो जब ये जो आर्गुमेंट, जब ये आर्गुमेंट जब इंटीजर बनेगा तब ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जब आर्गुमेंट इंटीजर होगा तब ये डिसकंटिन्यूअस होगा, और जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पर हमको लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो फिर सबसे पहला काम यह है कि हमने क्या कहा कि रूट ओवर एक्स जो है ये जब इंटीजर होगा तो एक्स की वो वैल्यू बताओ जब ये इंटीजर होगा, एक्स की वैल्यू आ गई आई स्क्वायर, और आई जो है वो इंटीजर है, और एक्स जो है जो इंटरवल है वो है आपके पास में 0 से 12, तो 0 से 12 के बीच में जब, अब आप देखो जितने परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आप ले सकते हो, तो एक्स का वैल्यू आप ले सकते हो 0, एक्स का वैल्यू आप ले सकते हो 4, एक्स का वैल्यू आप ले सकते हो 9। तो जब जब आर्गुमेंट, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के अंदर में जब जब आर्गुमेंट जो है वो इंटीजर मतलब कि बनेगा, तब तब जो है डेफिनेशन चेंज होगी, मतलब कि ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, सो नाउ व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट 0 से 1 dx, ठीक है, इस तरह से लिख लेना, प्लस नेक्स्ट व्हाट वी कैन से 1 से अभी, अच्छा 1 पे भी तो होगा 0 and 1 and 4 and 9, तो 0 से 1, यस वी कैन नॉट मिस 1, ओके, तो 0 से 1, फिर 1 से 4, फिर 4 से 9 dx, फिर 9 से 16, बट 16 तो है ही नहीं, तो 9 से कहाँ जाना पड़ेगा, 12, जो इंटीग्रेशन का इंटरवल है वहीं तक dx। अब आप देखो जब x 0 से 1 है
तो रूट ओवर एक्स भी जीरो से वन है। तो जब रूट ओवर एक्स जीरो से वन है, भले ही x इज इक्वल टू वन पर रूट ओवर x भी वन है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी वन होगा, लेकिन उस पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जीरो से वन के बीच में जब x है, तो रूट ओवर x भी जीरो से वन के बीच में है, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये वैल्यू जीरो होगी, किसी एक पॉइंट पर वैल्यू वन होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? सपोज करो आपने जीरो से वन के बीच में ये जीरो है और वन पे इसका वैल्यू वन है, तो जब आप इसका एरिया देखोगे तो वो एरिया तो यहाँ से इवेलुएट होगा ना, ये पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो, इससे एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, समझ में आई बात? चलो यहाँ पे आगे अगर हम बात करें, जब x जो है, सपोज करो x है यहाँ पर 1 से 4, x जो है वो 1 से 4 है, तो रूट ओवर x क्या है, 1 से 2 है, ठीक है। तो जब रूट ओवर x 1 से 2 है, तो 1 से आगे की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर इस इंटरवल में 1 से आगे की बात, तो 1 से आगे में जो रूट ओवर एक्स है 1 से 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1 होगा। लेकिन अब आप बोलो कि नहीं, 4 पे तो जो रूट ओवर एक्स है वो 2 होगा और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। तो फिर से वही बात बोल रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये है मान लो 1 से लेकर और 4 तक ये 1 है, 1 से लेकर 4 तक ये 1 है और 4 पे ये वैल्यू 2 हो गई। तो इस एरिया पर इस पॉइंट की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ये पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो, उससे इस एरिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंड पॉइंट पे कुछ अगर वैल्यू हो ले भी रहा है, वो जिस डेफिनेशन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कि जब x जो है वो x जब 1 से 4 है, तो रूट ओवर x जो है वो भी 1 से 2 होगा, तो रूट ओवर x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4 पे केवल 2 है और बाकी जगह तो 1 से 2 के बीच में ही, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपली 1। भले ही x इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू 2 हो रहा है, लेकिन एंड पॉइंट पर वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस इंटरवल में क्या वैल्यू ले रहा है वही मायने रखता है, ठीक है। बात नेक्स्ट में बोल रहा है कि 4 से 9 x है, x 4 से 9 है, तो रूट ओवर एक्स क्या होगा, 2 से 3 होगा। तो 2 से 3 में जो वैल्यू है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। भले ही 3 पर वैल्यू, भले ही 9 पे वैल्यू 3 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास में 2। फिर लास्ट में x जब 9 से 12 है, तो रूट ओवर एक्स जो है वो 3 से, रूट ओवर एक्स जो है वो 3 से रहेगा रूट ओवर 12 तक, और रूट ओवर 12 4 से तो छोटा ही है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। सो दिस इज 3 dx। तो ये तो 0 ही हो गया, 1 का इंटीग्रेशन इज x, लिमिट इज फ्रॉम 1 टू 4, फिर 2 बाहर 2 इंटू x एंड लिमिट इज फ्रॉम 4 टू 9, फिर 3x एंड लिमिट इज फ्रॉम 9 टू 12। सो दिस इज 4 माइनस 1 दैट इज 3, प्लस 18 minus 8 that is 10, and then next is 36 minus 27 that is 9. So 3 plus 10 or plus of 9, तो ये कितना आ गया अपने पास में, 22। तो ये आंसर आ गया आपके पास में 22। I hope this is clear. Okay. Now, we want to evaluate integration 0 to pi dx divided by 5 plus cos square of x. अब अगर हम अभी यहाँ पर लिमिट को थोड़ा देर के लिए छोड़ भी दें, तो अब आप देखो dx अपॉन में 5 plus cos square x, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया गया था कि आप जो है वो sec square x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, ठीक है, और फिर बाद में जो है वो विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन वी कैन सॉल्व, ठीक है। तो अभी हम इसको एकदम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह अगर हम डील करें, या फिर लिख भी लेते हैं लिमिट, तो जीरो से पाई में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये बन जाएगा आपके पास में सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 5
sec square x plus this is 1 dx. अभी 0 से पाई sec square x, और जो डिनोमिनेटर में आपके पास में sec square x है, इस sec square x को आप लिख सकते हो 1 plus 10 square x. तो ये बन जाएगा आपके पास में 5 10 square x plus 6. ठीक है भाई. अब यहां पर आप देखो, अगर आप यहां पर 10x को t रखोगे, तो 10x को t रखने पर ये बन जाएगा sec square x dx is equal to dt. 10x को आपने t रख दिया तो sec square x, अच्छा यहां से dx गायब नहीं हो सकता है, तो उस dx को हम ले आते हैं वापस. दिस इज dx. ओके, अब sec square x dx को अगर आपने dt रख दिया, तो दिस इज dt डिवाइड बाय 5t square plus 6. अब 10x में जब आपने x की जगह पर 0 रखा तो ये 0 है, और t की जगह पर पाई रखा, x की जगह पर पाई रखा तो भी ये 0 है, मतलब कि कुछ गड़बड़ है. 0 तो आंसर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी दिख रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट किया 10x को t, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस गिवन इंटरवल में जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया है, क्या वो भी कंटिन्यूस है. तो फिर समझ में आया कि नहीं, 10x जो है वो पाई बाय 2 पर जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, पाई बाय 2 पर डिसकंटिन्यूस है. तो अगर पाई बाय 2 पर डिसकंटिन्यूस है, देन वी नीड टू ब्रेक दिस इंटीग्रल. तो इस इंटीग्रल को आपने ब्रेक किया 0 से पाई बाय 2 माइनस sec square of x divided by 5 of n square x plus 6 dx plus pi by 2 plus say pi sec square of x divided by 5 of 10 square x plus 6 dx. ठीक है बात. अब आप चाहो तो यहाँ पर 10x को t मानो एक इंटीग्रेशन में, दूसरे में कुछ और मानो, टू अवॉइड द कंफ्यूजन. ठीक है, तो अगर हम इस पार्ट को ही डील करें पहले, ठीक है, किस पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को, लेट्स से दिस वी वांट टू सॉल्व. ओके, तो हमने क्या कहा, वी कैन अगेन वी कैन से दैट वी कैन बिगिन विद, लेट्स से 10x को आपने t बोला, ठीक है. So this is sec square x dx is equal to dt. ठीक है, और let's say this is 1/5 बाहर ले लिया, so this is dt, 1/5 बाहर, मतलब या आप बोल सकते हो आपने 5 कॉमन ले लिया, तो वो डिनोमिनेटर से 5 कॉमन लिया, तो 1/5 बाहर आ गया, एंड दिस इज 5 ऑफ t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 6/5. ठीक है, तो अभी ये क्या बन गया आपके पास में, 0 से पाई बाय 2 माइनस बोलो आप, तो अब आप देखो 0 से, तो अब x जब 0 है तो 10x भी 0 है. ठीक है, तो ये 0 हो गया, लेकिन x जब पाई बाय 2 माइनस की तरफ जा रहा है, लिमिटिंग बात हो, तो 10x जो है, 10x में जब लिमिट x इज टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस, तो अगर हम बात करें 10x का ग्राफ, अगर मैं आपको बताऊं, x एक्सिस हो गया, लेट्स से अगर हम इतना ही बात करें, तो ये 0 है, और 10x जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा पाई बाय 2 पर. तो जब आप पाई बाय 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, मतलब कि माइनस तरफ से, तब ये प्लस इनफिनिटी की तरफ जा रहा है बेसिकली. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पाई बाय 2 प्लस और पाई बाय 2 माइनस. तो यहां पर हम x जो है वो पाई बाय 2 माइनस की तरफ से जा रहा है, इस वजह से जो 10x है वो कहां जा रहा है, वो जा रहा है प्लस इनफिनिटी की तरफ. तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो आएगी प्लस इनफिनिटी. ठीक है बात.
तो अभी ये जवाब लिखोगे, सो दिस इज 1/5 एंड 1/√6 एंड √5 एंड दिस इज टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, एक्स इज टी, एक्स इज टी और डिवाइडेड बाय ए दैट इज √6/5। और यहां से अगर हम देखें तो कांस्टेंट को बाहर रखा और ये जो लिमिट है आपके पास में वहां देखोगे तो ये लिमिट है आपके पास में 0 से इन्फिनिटी। तो जब आप यहां पर ये इन्फिनिटी पुट करोगे, ये जब टी जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी जाएगा कहाँ, पाई बाय टू की तरफ, और जब आप 0 पुट करोगे तो ये टेन इनवर्स 0 0 बन जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाय टू। तो अब आप देखो ये आ जाएगा आपके पास में 1/√30 बिकॉज दिस √5 एंड दिस 5, तो डिनोमिनेटर में बचेगा √5 और ये √6 है तो √30 हो गया ये तो। और जब आपने इन्फिनिटी पुट किया होगा अपर लिमिट, तो टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी मतलब जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो जा रहा है पाई बाई टू की तरफ, तो ये आ जाएगा आपके पास में पाई बाई टू टाइम्स ऑफ 1/√30, ठीक है। ये आ गया आपके पास में एक पार्ट का आंसर। अभी जो दूसरा पार्ट है वो क्या बोल रहा है, वो भी सेम ही है, बस वहां पर लिमिट जो है वो पाई बाय टू प्लस से पाई की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। सो नाउ वी हैव पाई बाय टू प्लस से पाई की तरफ में, लेट्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय और 5 ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 6, ओके। अभी यहां पर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो हमने कहा कि लेट से सेक ऑफ एक्स को जेड मान लिया, सॉरी नॉट सेक ऑफ एक्स को, टेन ऑफ एक्स को जेड मान लिया, ठीक है। यहां पर टेन एक्स को अपन ने टी माना था, यहां पर जेड मान लेते हैं, तो यहां पर हमने टेन ऑफ एक्स को माना जेड, सो दैट विल गिव यू अगेन द सेम स्टोरी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, सो दिस इज डी जेड एंड 1/5 इज आउटसाइड, दिस इज 6/5 प्लस टी स्क्वायर और नॉट टी स्क्वायर जेड स्क्वायर दिस टाइम, ओके। सो दिस इज 1/5 एंड अगेन √6 √5 एंड दिस इज टेन इनवर्स ऑफ जेड अपॉन √6 अपॉन √5। नाउ दिस टाइम लिमिट इज वेरिंग फ्रॉम पाई बाय टू प्लस से पाई, देखो पाई बाय टू प्लस पर जो टेन एक्स है ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाय टू। तो अगर आपको याद है तो टेन एक्स का ग्राफ जो है वो इस तरह से जाता है 0 से पाई बाय टू में और फिर ये पाई बाय टू से पाई में कुछ इस तरह से जाता है। तो जब आप पाई बाय टू को राइट साइड से अप्रोच करोगे मतलब इस डायरेक्शन से जब अप्रोच करोगे तो जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो जब एक्स जा रहा है 0 की तरफ तो जेड भी 0 है, पर एक्स 0 की तरफ कहाँ जा रहा है, एक्स जा रहा है पाई बाय टू प्लस की तरफ, ओके। तो एक्स जब जा रहा है पाई बाय टू प्लस की तरफ तो जो जेड जा रहा है वो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यहां पर ये टेन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, रफ ग्राफ है समझने के लिए। फिर जब एक्स जा रहा है पाई की तरफ तो जेड जा रहा है 0 की तरफ, तो ये आ जाएगा आपके पास में व्हेन एक्स इज 0 देन जेड इज 0, जेड इज व्हेन एक्स इज पाई देन जेड इज 0, ठीक है। तो आपके पास में जो लिमिट आ गया वो आ गया माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0। तो जब आपने अपर लिमिट रखा तो टेन इनवर्स 0 क्या हो गया, 0 हो गया, तो अपर लिमिट रखने पर तो आ गया 0 माइनस ऑफ 1/√30 और माइनस इन्फिनिटी रखा तो माइनस इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी तो ये जो है वो आ जाएगा कहाँ, माइनस पाई बाय टू की तरफ, तो माइनस विद माइनस पाई बाय टू,
So ultimately this is pi by 2 times 1 by root over 30. ठीक है, तो अपना जो फाइनल आंसर है ये अगर अल्फा है और ये अगर बीटा है तो फाइनल आंसर होगा अल्फा प्लस बीटा. सो पाई बाय टू टाइम्स वन बाय थर्टी फ्रॉम हेयर एंड द सेम थिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर पाई बाय टू टाइम्स वन बाय रूट ओवर थर्टी. सो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया हमारे पास में, पाई बाय टू वन अपॉन रूट ओवर थर्टी प्लस पाई बाय टू वन अपॉन रूट ओवर थर्टी. पाई बाय टू कॉमन ले लिया सो दिस इज टू ओवर रूट ओवर थर्टी, टू से टू कैंसिल सो दिस इज पाई बाय रूट ओवर थर्टी. और हमारे पास में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपके पास में सो दिस इज द फाइनल आंसर. क्वेश्चन था आपके पास में दैट इवेलुएट इंटीग्रेशन जीरो टू पाई डी एक्स अपॉन फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स. इसका आंसर जो है वो आ गया आपके पास में पाई बाय रूट ओवर थर्टी विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी कि इन बिटवीन अगर आप सॉल्व भी कर रहे हो और कहीं बीच में भी जो आपने यहाँ पर जैसे सब्सटीट्यूट किया था tan x को, तो हम डायरेक्टली इस पूरी लिमिट के लिए हम उसको tan x को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं, वी नीड टू ब्रेक. क्यों, क्योंकि जिसको आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो वो जो tan x जो है वो भी उस इंटरवल में पूरी तरह से कंटिन्यूस नहीं है, तो जहाँ पर वो डिसकंटिन्यूस है वहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, जहाँ पर डिसकंटिन्यूस है वहाँ पर जब हम ब्रेक करते हैं so in that case we cannot evaluate the functional value directly, we have to take care of or we can say that we have to take help of limiting value of function if applicable. so definitely yahan par trigonometric function hai to yahan par applicable ho raha hai. okay so with the help of the limiting value we can evaluate the value of the given definite integral. so I hope this is clear to all of you and you all follow.